अटेंडेंस कौन लेगा? टीचमेंट। पेपर कौन चेक करेगा? टीचमेंट। तो हम क्या करेंगे? आप बस बच्चों का सिलेक्शन कराइए सर, बाकी सब टीचमेंट कर लेगा। चाहे जैसी भी जरूरत हो, टीचमेंट पे टीचिंग आसान है। आज ही डाउनलोड करें टीचमेंट, इंडिया का नंबर वन टीचिंग ऐप। चुके दोस्तों, आप उन लोग का जो कंपार्टमेंटल एग्जाम नहीं दिया जाएगा, तो यहाँ पर देखिए पेपर आर्टिकल में क्या बताया गया है, और सभी को ग्रेस मार्क्स देकर पास कर दिया जाएगा। दोस्तों आप लोग का रिजल्ट भी फिर से जारी कर दिया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों ने सही सुना, आप लोग का जो फिर से रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा बिहार बोर्ड के द्वारा। तो दोस्तों वीडियो को पूरा देखिए, और दोस्तों अगर चैनल पर नए आएंगे तो बिहार बोर्ड जुड़ी और खबर पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। यहाँ पर देखिए क्या बताया गया है कि सभी छात्रों को ग्रेस अंक देकर पास किया जाएगा। यहाँ पर देखिए बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने ग्रेस मार्क्स पॉलिसी 2017 में लागू की थी। अगर स्टूडेंट एक विषय में फेल तो उसे 8% अंक तथा ग्रेस मार्क्स दिए जाते हैं। वहीं अगर दो विषय में फेल है तो उसे एक विषय में अधिकतम 4% तक ग्रेस मार्क्स दिए जाते हैं। तो दोस्तों बिहार बोर्ड ने हर बोर्ड की तरह एक पासिंग क्राइटेरिया बना रखा है, जिसके मुताबिक हर छात्र को परीक्षा में पास होने के लिए 30% अंक लाने होते हैं। तो यहाँ पर देखिए करीब 8,000 स्टूडेंट इंटर कंपार्टमेंटल 5,000 कंपार्टमेंटल इंतजार में बैठे हुए हैं। अब जो है आप लोग का एग्जाम नहीं होगा। दोस्तों लॉकडाउन के बाद जो फैसला ले लिया जाएगा कि 26 के बाद जो किसी दिन आप लोग का जो है ग्रेस मार्क्स देकर पास किया जाएगा, और आप लोग फिर से रिजल्ट अपना चेक कर सकते हैं। दोस्तों आप लोग जो है मतलब कि जो भी फेल छात्र हैं इंटर और मैट्रिक में, तो वो जो है 26 के बाद जो लॉकडाउन खुलेगा तब बिहार बोर्ड फैसला लेगा, और उसके बाद जो आप लोग को जो है ग्रेस मार्क देकर पास कर दिया जाएगा दोस्तों। और यहाँ पर जो है ना के बराबर ही है कि कंपार्टमेंटल एग्जाम होगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिएगा, और चैनल पर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।